पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। खान की गिरफ्तारी के बाद रावलपिंडी में सेना मुख्यालय और लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर धावा बोलने के साथ साथ उनके समर्थकों ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। इससे पहले खान ने देश की सेना पर कथित तौर पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस बीच देर रात हुए घटनाक्रम में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खान की गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए कहा कि गिरफ्तारी करते समय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी NAB ने सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया है। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने भ्रष्टाचार मामले पर सुनवाई शुरू होने से पहले अदालत में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराते वक्त अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा खान को गिरफ्तार किए जाने की दलील पर गौर किया। हालांकि अदालत ने पुलिस अधिकारियों को लेकर नाराजगी दिखाई और कोर्ट की शुचिता के उल्लंघन के लिए इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख और आंतरिक सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के मुताबिक लाहौर से राजधानी इस्लामाबाद आए खान अदालत में एक बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजर रहे थे, तभी रेंजर्स ने कांच की खिड़की को तोड़ दिया और वकीलों और खान के सुरक्षा कर्मियों की पिटाई करने के बाद इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और FC इतनी बड़ी फौज लाने की मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पर तैयार हुआ हूँ कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूँ जेल में डालने के जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। TV फुटेज में रेंजर्स खान को पकड़कर ले जाते दिखे और उन्हें एक वाहन में बिठाते हुए दिखे। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक रेंजर्स गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं और आमतौर पर सेना से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों द्वारा निर्देशित होते हैं। आज सुबह इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया, जिसकी पूरी कौम ने मजम्मत की है और मैं भी मजम्मत करता हूं। ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, गैर सियासी है, गैर इखलाकी है और एक मंसूबा बंदी के तहत की गई और इसके ताने बाने लंदन में जा मिलते हैं। मैं अपील कर रहा हूं, आप जहां जहां हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने घरों से निकलिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, बेगमात के साथ, बहनों के साथ, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। हमारे हाथ में डंडा नहीं होना चाहिए, हमारे हाथ में असला ना था ना होगा। हमने किसी पर हमला नहीं करना, हमने सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमने किसी के घर पर कब्जा नहीं करना, हमने पुरअमन तरीके से अपना हक मांगना है। खान की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पाकिस्तान के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उधर पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने कहा कि इमरान खान कई नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए थे। सनाउल्ला ने कहा कि इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सनाउल्ला ने कहा अलकादिर ट्रस्ट मामले में NAB ने उनकी गिरफ्तारी की है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी गुण दोष के आधार पर की गई है। गृह मंत्री ने बताया कि ब्रिटेन के अधिकारियों ने धन शोधन के एक मामले में पाकिस्तान के एक जमीन कारोबारी के 19 करोड़ पौंड या 60 अरब पाकिस्तानी रुपए जब्त किए थे और उनका मकसद इसे पाकिस्तान की सरकार को ट्रांसफर करना था। आरोप है कि खान ने उस पैसे को सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय कारोबारी को वापस लेने की इजाजत दे दी और कोर्ट द्वारा एक अन्य मामले में लगाए गए जुर्माने की अदायगी के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। आरोप के मुताबिक कारोबारी ने बदले में अलकादिर ट्रस्ट को झेलम के सोहवा में 23.1 हेक्टेयर और इस्लामाबाद के पास बानीगाला में 12.1 हेक्टेयर भूमि
मुहैया कराई। मंत्री ने ये दावा भी किया कि अलकादर ट्रस्ट खान की पत्नी बुशरा बीबी और उनकी करीबी दोस्त फराह गोगी के नाम पर पंजीकृत है। सनाउल्ला ने दावा किया कि संपत्तियों की कीमत 6-7 अरब रुपए थी। मंत्री ने ये भी कहा कि खान की गिरफ्तारी करने वाले अर्धसैनिक बल अधिकारी कानूनी रूप से अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि एनएबी के आदेश पर की गई गिरफ्तारी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के दर्जनों अन्य मामलों में जांच की जा रही है।